गणेश चतुर्थी की हर तरफ धूम है। वहीं आगरा में गणेश महोत्सव पर अलग ही क्रेज देखा जा रहा है। यहां पीएम मोदी के फॉलोअर्स के लिए मूर्ति बनाई गई है, जिसमें मोदी भगवान गणेश को अपने कंधे पर लिए हुए हैं। तो वहीं क्योंकि सालों बाद ओलंपिक में हॉकी में भारत मेडल लाया है, तो इसको देखते हुए हॉकी खेलते हुए गणेश जी भी लोगों को खूब भा रहे हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम अनीशा है। गणपति लेने हैं, क्या सोचा है मन? हमने यही सोचा कि एक अच्छी मूर्ति, इको फ्रेंडली मूर्ति मिल जाए, जिससे हम पॉल्यूशन भी ना करें, किसी भी तरह से नेचर को हार्म ना करें, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग कोरोना वायरस से इतने परेशान हैं। तो अच्छी सी सुंदर सी मूर्ति हमने इसीलिए सोची, जो सबके लिए खुशखबरी और सबके लिए अच्छी चीजें लेकर आए। मैसेज देना चाहेंगे, कोरोना फैल रहा है, आपने इको फ्रेंडली को चूज किया? इको फ्रेंडली इसीलिए चूज करा क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोरोना वायरस मनुष्य की ही गलती है, तो हम इस गलती को रिवर्स करना चाहते हैं और हम भगवान जी से यही प्रार्थना करेंगे कि इस कोरोना वायरस को जल्दी से यहाँ से हटा दें और हमारे घर, हमारे पूरे वर्ल्ड में सब कुछ ठीक कर दें जल्दी से। लोकेश राव थोरात, विघ्नहर्ता, इको फ्रेंडली मूर्ति आर्ट। क्या दिक्कत ये आ रही है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बैन किए हुए लगभग 10 वर्ष हो गया है, लेकिन आगरा प्रशासन इस पर शायद कोई ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से मार्केट में धड़ल्ले से प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बिकती है और इस बार मेरे को 8 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। 70-80 मूर्ति मेरी बिकी है और 200 मूर्तियाँ जैसी की वैसी रखी है। सर, स्टाफ बाहर से आप लेके आते हो, साथ में काम करता है, तो नुकसान हो रहा है, तो कैसे उनको रख पा रहे हैं? सर, रख पा रहा क्या, ये लास्ट सीजन है, शायद ये बंद ही है। नहीं, अगर बैन लग गया तभी बंद करेंगे? नहीं, बैन लग गया तो फिर हम स्टार्ट करने की सोच सकते हैं, क्योंकि बैन लगने के बाद इंसान के पास ऑप्शन नहीं रहेगा, वो पकड़ेगा तो सिर्फ इको फ्रेंडली मिट्टी के ही पकड़ेगा, तो मिट्टी के या तो हमारे पास से ले या कहीं और से ले, ये अच्छी बात है।